अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए।